एक ऐसे शख्सियत को जिनके जीवन से हम लेते हैं ज्ञान, आप जानते हैं उनके जीवन को। तो हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं पूजा श्री चौकसे, जो कि LNCT के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका कल का। बिल्कुल शुरुआत आपसे शुरू करते हैं कि आप क्या हैं, क्या पसंद है आपको, आपकी शख्सियत क्या कहती है। अब शख्सियत क्या कहती है किसी इंसान की, ये तो सामने वाले बताते हैं। एंड वैसे मैं पूजा श्री चौकसे हूँ, LNCT ग्रुप जो कि भोपाल का एजुकेशन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, मैं उसकी डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ फिलहाल। मैम अगर यहाँ पे देखें तो एजुकेशन फील्ड से आप रिलेट करती हैं, आपके एजुकेशन क्या है, आप क्या पसंद है, आपके व्यक्तिगत जीवन में बताइए कुछ। मैं पढ़ाई से मैं इंजीनियरिंग किया मैंने एज अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से MS किया है, और साथ ही साथ मैंने यहीं इंडिया से MBA भी अपना कंप्लीट किया है और MTech भी कंप्लीट किया है VLSI में। और क्योंकि मैं इंजीनियर थी इसलिए मुझे लगा कि MTech के बिना एक इंजीनियर बहुत इनकम्प्लीट रहता है। हाँ, तो MTech मेरा थर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन है और फिलहाल मैं PhD प्रोसेस कर रही हूँ। मतलब पढ़ाई कभी रुकी नहीं है। पढ़ाई एक्चुअली बचपन से ही परिवार में ऐसा रहा है कि इस चीज आप एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप क्यों ना उसको, अगर आपके पास पढ़ने की अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना आप पढ़ाई करें, ये जरूरी है। और कभी भी कोई भी की पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, तो इसलिए जब भी मौका, जैसे भी मौका मिलता है उसको पढ़ते रहना चाहिए। मैम अगर देखा जाए तो आपके जीवन का सफर अब तक कैसा रहा है, क्या कुछ देखा आपने? बहुत अभी तो अगर जीवन के सफर की बात करें तो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो चुनौतियां आना और अभी तो काम करना इस सबकी शुरुआत हुई है। जो भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो अपने माँ बाप के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने घर वालों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पेशली उन्होंने जो आज तक अपने प्रोफेशन में जो भी चीजें फेस की हैं उसी को देखा है और कैसे उन चीजों को हैंडल करना है वो भी उसी उन्हीं से सीखा है। मैम यहाँ पर देखा जाए कोरोना काल में काफी एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, और कहीं ना कहीं आजकल तो एगेस के हर सवाल में कोरोना काल भी आता है, तो आपके लिए भी, आप एक हॉस्पिटल के आप देखते हैं पूरा, आपने सब कुछ देखा होगा लगभग जहाँ तक है, अच्छा बुरा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कोरोना काल में? देखिए कोविड में हम एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जहाँ पर सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हमारे पास हमारा हॉस्पिटल भी है, हम NGOs भी रन करते हैं, हम लोग काफी अलग अलग सेक्टर में हैं जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज भी हैं, तो हमने सिर्फ एक सेक्टर या एक डिपार्टमेंट का डाउनफॉल या वो नहीं एक्सपीरियंस किया, हमने हर सेक्टर का ये देखा है। अगर मेडिकल सेक्टर में बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, जहाँ पे हमें कोविड के टाइम पे एक टाइम ऐसा था जब हम चाहकर भी पेशेंट्स को नहीं ले पा रहे थे या ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। वहीं एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई आज तक अफेक्टेड है, अब जाके जब बच्चे कॉलेजेस में वापस आना चालू हुए हैं या उसमें भी 100% नहीं आए हैं, कुछ एक छोटा सा परसेंटेज है जब बच्चे आने लगे हैं अपनी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो स्पेशली मेडिकल एक ऐसा सबसे बड़ा प्रैक्टिस में, आप अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आगे जाके पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसी में अब जब हल्की सी हलचल चालू हुई है तो हमें भी कैंपसेस देखने में अच्छा लगता है कि हाँ हमारे पास आ रहे हैं, हमारे स्कूल भी हैं, तो स्कूल में तो अभी तक आना बच्चे पूरी तरह चालू नहीं हुए हैं, पेरेंट्स अभी भी पूरी तरह कंसेंट नहीं दे पा रहे, डरे हुए हैं, तो वो सब चीजें हम फेस कर रहे हैं। और इसी तरह हमने अपने NGOs के थ्रू भी जितना भी हम लोगों की मदद कर सकते थे, जिस लेवल पे भी कर सकते थे, और हमें जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उनको हम जिस भी तरह से, जितनी अच्छी तरह से, जितना डट के उनको फेस कर सकते थे वो हमने किया है। स्कूल की बात अगर मैं कर रही हूँ, स्कूल के कोरोना काल था तो स्कूल संचालन करने में कौन कौन समस्याओं का सामना आपने करा? देखिए कोरोना काल ये नहीं कह सकते कि था, अभी भी चल ही रहा है, अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो परमिशन आई है वो 6th स्टैंडर्ड से आई है, बट बहुत सिंस 9 to 12 के ही कुछ ना कुछ स्टूडेंट आना अभी चालू हुए हैं कुछ कुछ स्कूल्स में, वो भी इसलिए क्योंकि वो बोर्ड क्लास रहती है, पेरेंट्स भी वरिड हैं, बाकी छोटे बच्चे तो अभी भी घर पे ही पढ़ रहे हैं एंड पेरेंट्स अभी भी काफी डरे हुए हैं, तो उसमें अभी भी बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, बट एक जो इंटरेक्शन रहता है बच्चे जो आपस में मिलके सीखते हैं, हम भी जब किसी से मिलते हैं, आज मैं आपसे मिली हूँ, हम बच्चे मिले हैं, मैं आपसे भी कुछ सीखूंगी, लेकिन जो एक इंटरेक्शन वाली बात होती है, बच्चों को हम स्कूल में क्यों डालते हैं, बच्चों को मिलना चाहिए,
ताकि वो मिले, मतलब एक दूसरे से मिले, समझे, कुछ नई चीज जानने को मिलती है। तो वो चीज तब तक नहीं हो सकती जब तक स्कूल्स चालू नहीं होंगे, और स्कूल्स चालू होना एक बहुत ही अनसर्टेन पॉइंट है। अगर परिवार और बिजनेस के बारे में यहाँ पर बात करनी चाहे तो आप परिवार बिजनेस कुछ कैसे एक साथ मैनेज करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एमडीए आपको ये नहीं सिखा सकता कि आपको दोनों चीजें एक साथ कैसे संभालनी है। ये चीज मैंने डेफिनेटली अपनी मदर से ही सीखी है, क्योंकि वो मैंने बचपन से एज अ वर्किंग वुमन भी देखा है और एक होम मेकर की तरह भी देखा है। वो दोनों ही रोल उन्होंने बहुत अच्छे से अदा किए हैं, और उसी के चलते मैंने उन्हीं से ये सीखा है कि दोनों चीजें कैसे हैंडल की जाती हैं। मैम, स्कूल खुलने के बाद किस तरह की सावधानी हमें बरतनी पड़ी, किस तरह की प्रिकॉशंस आप दोनों लिए, किस तरह की एहतियात आपने बरती वहाँ पर? अभी तो फिलहाल जो हम स्कूल खुलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के कंसेंट आना चालू हुए हैं कि वो आएंगे, एंड उसमें ऑब्वियसली जो कोविड के गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटोकॉल हैं वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम स्कूल में जितना उनको टाइम टू टाइम सैनिटाइजेशन और उनका एक दूसरे से जो इंटरेक्शन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, हमारे टीचर्स वी आर मेकिंग श्योर कि वो टाइम से अपना वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है हम उन्हीं को क्लास अलॉट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेट भी हो नहीं सकते 18 साल से नीचे के। तो एटलीस्ट जो हमारा टीचिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, या जो ट्रांसपोर्ट में भी हैं हमारे, उनको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड ही रहें जो भी आ रहे हैं। एंड साथ ही साथ स्कूल में सब जगह अवेयरनेस पोस्टर्स जो भी जरूरत पड़ती है कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए, वो सारी चीजें ध्यान में रख के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके मैम, यहाँ पे देखा जाए तो कला कुंज नाम का आपका एक एनजीओ भी है, उसने किस तरीके से कोरोना काल में काम किया, सारे काम कैसे करता है आपका एनजीओ? देखिए, ये एनजीओ हमने जो स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एक एजुकेशन ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा पर्पस, मेन पर्पस जो कला कुंज का था वो वुमेन एम्पावरमेंट था, बट क्योंकि मैं एजुकेशन ग्रुप से बिलोंग करती हूँ तो मैं उसको तो छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कई गांव में, अभी फिलहाल 7 गांव में हमारे कम्युनिटी एजुकेशन सेंटर्स चल रहे हैं, जहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो छोटे, वहाँ पे मोस्टली अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, हम उनको स्कूली शिक्षा ऐसी प्रोवाइड करते हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके, जो आगे जाके उनके, हम उनको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, इन दैट केस उनको हिंदी और मैथमेटिक्स के कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जहां उनको, जो आगे जाके उनको काम आए, अगर वो अपने फादर उनका सब्जी का ठेला लगाता है तो वो उसकी जाके आगे मदद कर पाए, ऐसी छोटी छोटी चीजों में काम कर सके। वुमेन एम्पावरमेंट में हम जो गांव की औरतें हैं जो कुछ भी बना सकती हैं, जो हम उनको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार गांव की औरतें बना तो बहुत कुछ पाती हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम इसे मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, या इससे हमारे को, हम इसे एक रोजगार का तरीका कैसे बना सकते हैं। तो हम उसमें यही काम कर रहे हैं कि हम औरतों को, सिर्फ औरतों को ही नहीं, हम जो गांव के और भी जो आर्टिसंस हैं या किसी भी तरह के क्राफ्टमैन हैं जो कुछ भी अच्छा बनाते हैं, जो एक जनरल मार्केट में, या हम अमेजोन से खरीदते हैं या कहीं से भी खरीदते हैं, तो वो हमें एक हायर रेट में मिलता है, यहाँ से हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर उनका जो, उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड इसी तरह लेकिन सिंस कोविड की बात चल रही है, तो कोविड में हमने लोगों के घर, जो लोग होम क्वारंटाइन थे उनके घर फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों टाइम का खाना, फुल मील, दाल चावल सब्जी रोटी एंड एवरीथिंग, वो हमने उनके घर पहुंचाया फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हमने ऑलमोस्ट 11,000 लोगों को सर्व किया। ये मतलब कोरोना के वक्त ये मदद जो थी वो जरूरी थी लोगों तक पहुंचाना। सिर्फ खाना ही नहीं, हमने दवाइयां भी, जिनको जरूरत थी दवाइयों की, उनको एक कोविड का सेट पैटर्न दवाइयों को उनके यहाँ पहुंचाया कि हाँ जिसको कोविड हुआ वो हमें कॉल करता था, हम दवाइयां उसके यहाँ पहुंचा देते थे। कोविड में ये बड़ी चीज थी कि दवाइयों की कमी हो रही थी, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो ऐसी कई समस्या आपने देखी होंगी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई थी कई चीजों की, पर ऐसा था कि कई लोग मदद के लिए भी आ रहे थे, बट कई बार दवाइयां डिले हो रही थी और कई चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, पर भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से चलता गया और हम उसे धीरे धीरे करके उससे ओवरकम हो गए।
हम हॉस्पिटल्स के प्रेशर को देखें, अगर कोरोना काल में तो एक खतरनाक वाला प्रेशर था हॉस्पिटल्स में कि आगे कैसे, मतलब डॉक्टर भी घबरा गए थे कि इतने पेशेंट, एक तो पीक टाइम था बिल्कुल, तो उस वक्त उस प्रेशर को कंट्रोल करना, अपने डॉक्टर्स को समझाना, स्टाफ को समझाना, उनकी भी जिंदगी खतरे में, कैसे चला वो सब कुछ? एक्चुअली ऐसा है कि कहते हैं ना कि जब आपको किसी से कुछ कुछ आपको कुछ बदलाव लाना हो तो आपको उस चेंज को खुद अडाप्ट करना पड़ेगा, आपको वो काम खुद करवाना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कोविड लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कई लोग वो वही हैप्पी कि चलो घर से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन हमारा लॉकडाउन ऐसा था कि हम दिन के 8-9 घंटे घर के बाहर ही रहते थे हॉस्पिटल ऑफिस में, क्योंकि कब कौन किस चीज के लिए मदद के लिए आ जाए। तो हम लोग के दिन के 8 से ऑलमोस्ट 12 घंटे हॉस्पिटल में ही बीतते थे, भले ही हम पीपी किट पहन के पेशेंट के पास नहीं थे, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को मॉरल सपोर्ट या जो नर्सिंग स्टाफ है या सब जो भी स्टाफ था जो पेशेंट्स के पास भी था, उनको मॉरल सपोर्ट, उनके पेशेंट्स के अटेंडेंस के कॉल, घर वालों के कॉल, सब कुछ हैंडल करना। तो हम लोग भी पूरे टाइम वहीं रहते थे, हमने ऐसा नहीं किया कि हम लोग घर पे हैं और डॉक्टर अकेले काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनके सामने नहीं रहेंगे तो वो कभी भी उनको इस चीज के लिए ये नहीं हो पाएगा कि हमें भी पेशेंट्स के साथ रहना है। ओके मैम, यहाँ देखा जाए तो डॉक्टर्स की कमी बहुत है हमारे देश में, कहीं कहा जाए तो यहाँ पे ऐसे में देखा जाए तो 500-500 पेशेंट्स एक बार में आ रहे हैं, 250 पेशेंट्स जो हैं एक बार में आ रहे हैं, बेड इतने हैं नहीं। तो ऐसे में जो शिफ्ट होती है डॉक्टर्स की, किस तरह शिफ्ट काम करती है, उन्हें भी आराम चाहिए रहता था और डॉक्टर्स ने 18-18 घंटे 24-24 घंटे काम किया इस काल में, तो उस टाइम हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट चल रहा था? हॉस्पिटल में ऐसा है कि उस टाइम पे सबको पता था कि ये नीरज बाहर है, और साथ ही साथ डॉक्टर्स को पूरी तरह से मोटिवेट करना, और हमने इस चीज के लिए फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों के बाद हमने सारे जो डॉक्टर्स थे, सपोर्ट स्टाफ थे, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो नॉन मेडिकल स्टाफ हो, जिसने भी कोविड में काम किया उनका हमने सम्मान समारोह भी रखा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है, आप अपने पूरे परिवार की सेफ्टी को एक तरह से आग पे रख के काम कर रहे हैं। आज मैं भी अपने घर में जाती हूँ, मेरी भी बेटी है, मैं भी घर में घुसने से पहले पूरा सैनिटाइज करना, फिर उसको दूर रख के पहले नहाना, पूरा एक प्रोसेस रहता था कोविड टाइम में कि आप जब घर में घुस रहे हो तो आप एक सर्टन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही घर वालों से मिल सकते हो। आई थिंक इस बार कोरोना काल में से कोई उसको कोरोना हुआ नहीं, माइल्ड सिम्टम्स तो लगा सबको थे, जिन्होंने टेस्ट नहीं भी करवाया शायद उनको भी। हाँ, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोविड अभी निकल गया, उन्हें पता भी नहीं पड़ा, क्योंकि एंटीबॉडीज शायद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो उनके अंदर थे। बिल्कुल, अगर देखिए यहाँ पर कोरोना काल की बात हो, कोरोना काल के बाद अब चुनौतियां क्या है? अब ये है कि अब ऐसा है कि लोग फिर से चीज को नॉर्मलाइज करने में अभी भी घबरा रहे हैं, क्योंकि एवरीवन इज सस्पेक्टिंग द थर्ड वेव। तो अभी दो चीज है जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, वो ये है कि चीजों को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, और थर्ड वेव की तैयारी में ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग रेडी रहें। क्योंकि फर्स्ट वेव में जैसे सेकेंड वेव में हमें ऑक्सीजन की बहुत कमी लगी कि हमारे पास ऑक्सीजन उसी दौरान हमें खुद का हमने एक ऑक्सीजन प्लांट भी सेटअप किया, हमें गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की, तो हमने एज एलएनसीटी ग्रुप हमने एक ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया। और उसी टाइम पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे परिवार के कई कई सारे लोग एक साथ उनकी डेथ हो रही थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो थे वो अनाथ हो रहे थे। तो कोविड के बीच में ही हमने एक चिल्ड्रंस होम भी खोला, वो उन बच्चों की मदद कर सके, उन बच्चों को रख सके जो उस वक्त ऑर्फन हो रहे थे या जिनके परिवार में कोई नहीं था उनको रखने के लिए। ओके, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपका एनजीओ उस वक्त काम कर रहा था, ऐसे में झुग्गी बस्तियों का हाल क्या था? झुग्गी बस्तियों में ये था कि देखिए जो भी हमको मिलता, अगर वो कोई कहता कि हमें उसकी जरूरत है ट्रीटमेंट की, तो हम जो कर पा रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन उसमें कई जगह हम लोग जब झुग्गी बस्तियों में गए तो हमने देखा कि हमें वहां पे भी खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों टाइम का खाना दिया। तो एक जो चीजें बहुत ज्यादा थी वो इस बार मेडिकल और फूड दोनों ही था। ये तो साफ बात थी कि इस बार जो था, क्योंकि ये जो छोटे लोग होते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास जेली कमाई खाने वाली चीज, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इस बार, बहुत ज्यादा।